हाय गाइस, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त। अगर इस लैसिक्स इंजेक्शन के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह से आपको मेडिकल से संबंधित इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो कि आपको कोई भी डॉक्टर इतनी अच्छी तरह से नहीं बतलाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये दिख रहा होगा कांच का एम्पुल जो कि 2 ml का एम्पुल है और ये लैसिक्स इंजेक्शन है। हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इसमें फेरोसोमाइड 10 mg मिला हुआ है। हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। इसकी प्राइस है 3.32 रुपये जो कि काफ़ी सस्ता है। और हम इसके मैन्युफैक्चर डेट के बारे में बात करेंगे जो कि दिसंबर 2016 का बना हुआ है और एक्सपायरी डेट नवंबर 2019। चलिए हम इस लैसिक्स इंजेक्शन के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। हाँ, चलिए लैसिक्स इंजेक्शन के हम लाभ यानी कि लैसिक्स इंजेक्शन के बेनिफिट्स हम बतला रहे हैं आपको। ये फ्यूरोसोमाइड का उपयोग उच्च रक्तचाप और हाइपरलोकोसमिया, खून में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग हृदय, लीवर, किडनी या फेफड़ों की बीमारी से जुड़े एंडिमा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। लैसिक्स का उपयोग करने का तरीका जानते हैं। इसमें फ्यूरोसोमाइड पेशाब की मात्रा बढ़ाकर काम करता है, जिससे शरीर से अतिरिक्त जल और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं। लैसिक्स के सामग्री में चलिए हम बात करते हैं। इसमें लैसिक्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सामग्री दवा को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूरोसोमाइड का उपयोग उच्च रक्तचाप, हम इसके साइड इफेक्ट, ये तो इसके उपयोग थे। इसके दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे यानी कि साइड इफेक्ट के बारे में। ये है, कभी कभी शरीर को निर्जलीकरण कर देता है, खून में पोटेशियम के स्तर में कमी, रक्त में मैग्नीशियम के स्तर में कमी, निम्न रक्तचाप, रक्त में यूरिक एसिड में वृद्धि, बहरापन, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। लैसिक्स के पारस्परिक क्रिया के बारे में बात करेंगे हम। अगर आपको चक्कर, थकान या मांसपेशियों की कमजोरी की समस्या है जो लंबे समय तक रहती है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। पोटेशियम युक्त समृद्ध आहार, केला, पालक, नारियल, पानी इत्यादि लें, क्योंकि फ्यूरोसोमाइड पोटेशियम की कमी का कारण हो सकता है। नियमित तौर पर गुर्दे की क्रिया परीक्षण, रक्त इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, यूरिक एसिड और लिपिड स्तर का प्रशिक्षण करें। फ्यूरोसोमाइड लेने से पहले अपने चिकित्सक को सूचित करें। यदि आप फ्यूरोसोमाइड या सल्फोनिलाइरिज से एलर्जिक है तो आपको मधुमेह, फ्यूरोसोमाइड आपके शरीर स्तर को बढ़ा सकता है, आपके शरीर में शर्करा स्तर को बढ़ा सकता है।
फ्रेशमाइड के सोने के समय लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको अक्सर पेशाब आता है और सोने जाने से कम 4 घंटे पहले लें। ड्राइविंग या किसी भी मशीन का उपयोग करने से बचें जिनके लिए आपको अतिरिक्त सावधान रहना आवश्यक है। ये थे इसके उपयोग और साइड इफ़ेक्ट, जिन्हें जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आके हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, नमस्कार।